वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के मेरे वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जितने भी कार यूजर हैं, जिनके पास कार है वो यूज करते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो है कि वो अपनी कार के अंदर फ्लोर मैटिंग लगवा तो लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी एक एक दो दो तीन तीन मैटिंग नीचे रखवा लेते हैं। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो आपका एक्सीलेटर वो पूरा प्रेस हो पाएगा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम ये आती है कि 40 के अबाव स्पीड जा नहीं रही है या 80 के अबाव स्पीड जा नहीं रही है, कैसे जाएगी जब तक एक्सीलेटर पूरा प्रेस नहीं होगा। सेकंड, इसमें क्लच हार्ड की प्रॉब्लम आती है कि जब तक क्लच है वो पूरा प्रेस नहीं होगा, गियर भी इजिली नहीं आएंगे, गियर भी हार्ड आएंगे, शिफ्टिंग हार्ड होगी, क्लच हार्ड होने का भी चांस रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि जितने भी कार यूजर है वो कम से कम मैटिंग है वो या तो हाफ मैटिंग है वो यूज़ करें, एक से ज़्यादा मैटिंग यूज़ नहीं करें। अगर आपने फ्लोर मैटिंग लगवा रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फ्लोर मैट है जो मैटिंग है वो हाफ यूज़ करें, ताकि क्लच के वगैरह के नीचे या ब्रेक के या एक्सीलेटर जो पेडल है उसकी नीचे नहीं जाए। तो ये था जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो है कि आपको जो मैटिंग है वो दो से तीन ही ड्राइवर साइड तो आपको यूज़ नहीं करनी है, बाकी आप अदर साइड है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो ड्राइविंग कम्फर्ट है वो भी बना रहे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।